हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। वीडियो को स्किप नहीं करनी है और इसको एंड तक देखनी है। तो हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स ये हैं: प्याज, लहसुन अदरक, इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे मिक्सर की मदद से। उस पेस्ट में हम क्रश कोरिएंडर 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्ची पिसी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालकर फेंटी लगा लेंगे। फिर हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, उसको अच्छे से हीट करेंगे, फिर अपनी चिकन उसमें फ्राई करेंगे। जैसे ही आपको चिकन गोल्डन ब्राउन होती नज़र आएगी तो उसमें हम लोग अपना नमक ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। फिर उसमें अपना जो हमारा फाइन पेस्ट था प्याज का, हम वो डालेंगे और उसी खूब अच्छे से बुनाई करेंगे कि तेल ऊपर आ जाए और प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि तेल ऊपर आ रहा है, तो हम लोग 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। दालचीनी और बड़ी इलायची डालेंगे और फिर दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम लोग अपनी 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे ताकि क्रीम का भी जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और कोई हीक ना आए। और खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। फिर उसमें 3 से 4 हरी मिर्चें, 3 छोटी इलायची, वो डाल के दोबारा अच्छे से हम अपनी ग्रेवी को मिक्स करेंगे कि उसका ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि इसमें सारा जो मज़ा है खूब बुनाई का है कि वो जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी अच्छी हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी। फिर हम लोग लिड की मदद से उसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। जब 5 से 10 मिनट बाद हम अपनी लिड को हटाएंगे तो हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी होगी और गार्निशिंग के लिए हमारा धनिया उसमें ऊपर डालेंगे। ये रेसिपी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है डिश आउट के लिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।